हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है आज के मेरे वीडियो में। आज दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे मैं आया हूं और आपको ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूं जो अभी तक आपने केवल खाई है बाज़ार से ख़रीद के। तो आज मैं उसके बाग में लेके आया हूं आपको। जी हाँ, आज एक मैं बाग में खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है लीची का बाग। तो अभी मैं आपको लीची के पेड़ दिखाने वाला हूँ और लीची कैसे उगती है, और लीची के साथ साथ यहाँ पीछे कुछ कटहल के भी पेड़ हैं उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये है वो लीची जो आपके घरों तक रेड कलर की होके आती है, बट अभी ये कच्ची है, पेड़ों पे भी हुई है और ये बहुत ही शानदार लग रही है। आप देख रहे हैं पूरे पेड़ पे, बट बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिसमें लीची नहीं उगी है। तो अभी मैं आपको यहाँ बाग के जो मालिक हैं उनसे बात कराऊंगा। ये देखिए, ये गिरी हुई है, ये सब कच्ची लीची है और ये पूरा अंदर काफ़ी बड़ा बाग है यहाँ पे। चलिए देखते हैं किसी और पेड़ पे जहाँ पे अच्छी लीची हो। ये देखिए, सो इस तरीके से लीची उगती है और पकने के बाद हमारे घरों तक आती है, बहुत ही शानदार फल। चलिए आपको दिखाते हैं कटहल के, इसी में आपको कटहल के भी पेड़ दिखाई देंगे। ये देखिए, ये है लीची। ये देखिए, ये है कटहल। हाँ, क्यों भैया, सभी लोग ने घर में खाया है, पेड़ पे बहुत कम लोगों ने देखा होगा कटहल। और क्या। तो ये देखिए, अभी आप देखो मेरी हाइट के से भी छोटा, कितने नीचे पे ये कटहल उगा हुआ है। ये देखिए, ये मैं बैठ सकता हूँ और मेरी हाइट पे भी ये कटहल है, छोटा सा। तो अभी हमारे साथ बाग के मालिक हैं, ये बता रहे थे कि फल इस बार बहुत कम आया है। तो क्या नाम है सर आपका? आमीन। आमीन जी, तो इस बार लीची का बाग में आपके काफ़ी कम फल दिख रहे हैं। बहुत कम है, चार आना है। चार आना, मतलब 25%। 25%। तो जो ये कह रहे हैं फल जितना लगता था उसका 25% ही फल है। हालांकि बाग बहुत बड़ा है, आप पीछे देख सकते हो मेरे, काफ़ी अप्रॉक्सीमेट 100-125 के पेड़ होंगे। 60 पेड़ हैं और 60 पेड़ में समझिए आप केवल 25% अगर लीची उग रही है तो बहुत ही नुकसान ही कहा जाएगा इसको, इतनी मेहनत के बाद। इतनी साल में तीन गुड़िया होता है, तीन बार गुड़ाई होता है, पानी देना है इसको, खाद पड़ना और सारे करने के बाद अगर आपको 25% फल मिले तो बहुत ही नुकसानदायक है। कटहल का भी हमने देखा भी पेड़ जहाँ पे कटहल उगे थे, लेकिन उसमें भी बहुत सारे पेड़ हैं। आप मेरे पीछे देखें, ये पीछे आप देखेंगे काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं लेकिन उनमें भी कोई भी कटहल नहीं है। कटहल भी 10-15% नहीं, बहुत कम है, 15 पेड़ में वही एक पेड़ आया। अरे बताइए, 15 पेड़ में केवल एक उधर पेड़ दिखाया था अभी मैंने आपको, जो उसमें कटहल आया है। चलिए और दिखाते हैं लीची, कुछ पेड़ों पे लीचियां हल्की सी पकने वाली हैं। आमीन जी का कहना है कि 10-15 दिन में तो कुछ पकना चालू हो जाएगा। इसका मालिक हमारे बाबा हैं। जी जी जी, मेन मालिक वही है। तो कितने साल हो गए इस बाग को, कितने साल से ये बाग? 20 साल से ये बाग है जी। तो काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे आते जाते मैं देखता था, ये यूपी के सिद्धार्थ नगर में है और यहीं पे मैं आया हूँ यहाँ बाग पे। तो मैंने कहा चलिए आज आपको लीची और कटहल के बाग दिखाते हैं। बगल में आम का बाग है, मैं वो भी दिखाता हूँ। धन्यवाद आमीन जी। तो ये दूसरा वाला बाग है, इसमें थोड़ी सी लीचियाँ भी पकने लगी हैं। ये देखिए, ये आपको ये रेड कलर की हो गई हैं लीचियाँ, ऑलमोस्ट रेड और येलो में हो गई हैं। और ये इन्हीं लीचियों का कहना है कि ये कुछ 15-20 दिन में पक जाएंगी। ये पूरे यहाँ पे लीची और कटहल के पेड़ हैं, ये सारे कटहल के पेड़ हैं जिनमें कोई भी फल नहीं आए हैं। और आगे चलते हैं हम लोग आम के बाग की तरफ। जी जी, तो भैया जी बता रहे हैं कि आम के भी बाग में बहुत अच्छी फसल तो नहीं है, नहीं कही जाएगी। कुछ कुछ पेड़ है आप देखें, मैं
तो आम है, लेकिन ये देखिए आप, लेकिन उतने आम नहीं हैं जो कहा जाए जिसको अच्छी फसल। ये भी आप देखिए, काफ़ी यहाँ पर भी करीबन 20-25 होंगे आम के पेड़। ये देखिए, ये मिला अपने को आम, तो अभी ये कच्ची कैरी है। कच्ची कैरी आपको पता होगा, चटनी वगैरह लोग बनाते हैं, आम का पना बनता है उसमें यूज़ करते हैं, दाल में डालते हैं। ये देखिए, ये जो आम का पेड़ है भैया बता रहे हैं, इसको बनारसी लंगड़ा कहते हैं और कपूरी नाम से भी ये फेमस है आम। अभी तो इसका साइज़ आप देखो तो मेरे हाथ से अभी काफ़ी छोटा है, लेकिन पूरा बड़ा होने के बाद और पकने के बाद ये एक हाथ के बराबर हो जाता है, पाव भर का ये काम होता है। तो आप देख रहे हो मेरी हाइट पे है ये आम। ये देखिए, मैं और आम आसपास, आम और खास एक साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आम, लीची, कटहल तीनों के बाग देख के मज़ा आया। और ये देखिए, आमिन जी ने इतने सारे आम हम लोग को मिले हैं कच्चे, यहाँ पे पड़े हुए पेड़ से गिरते हैं, थोड़ी बहुत हवा बहती है तो गिर जाते हैं। और चेयरमैन के रिश्तेदार हैं। अच्छा, चमन आ रहा है हमारे काम। हाँ, रिश्तेदार। अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो ये यहाँ पे सिद्धार्थ नगर, जैसा मैंने बताया आपको, यूपी में सिद्धार्थ नगर जिला है, वहाँ पे बांसी एक छोटी सी तहसील है जहाँ पे इनके बाग हैं। तो अगर आपको कभी बांसी आना हो और डायरेक्ट आम और लीची बाग से ख़रीदने का मन करे तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बांसी में ये आज़ाद नगर कॉलोनी के पीछे है, बिजली का जो ऑफिस है और आज़ाद नगर कॉलोनी के बीच में ये बाग है, वहाँ पर आ सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।